नमस्कार दोस्तों, आज के संस्करण में हम देखेंगे चोला वंशज के बारे में। चोला डायनेस्टी को इंपेरियल चोला भी कहते हैं। अगर इसके समय काल की बात करें तो सन 850 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक इनका शासन रहा। चोला वंशज का स्थापना विजयाला शासक ने किया। अगर इनके प्रमुख शासक की बात करें तो उनमें पहला नाम राजा राजावन का आता है। इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर डिस्ट्रिक्ट में 1010 ईस्वी में बनाया। राजा के बाद उनके पुत्र राजेंद्र वन भी एक प्रभावी शासक थे। इन्होंने गंगा चोलापुरम शहर की स्थापना की और यहाँ पे राजेश्वरन टेम्पल का भी स्थापना किया। अपने समय काल में बहुत नेवल एक्सपेडिशन किया राजेंद्र वन ने। चोला वंशज के नेवी अपने समय में बहुत शक्तिशाली था। चोला साम्राज्य के विस्तार में इनकी नेवी का बहुत बड़ा योगदान है और इस वजह से इन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, सुमात्रा तक शासन किया। इसी वजह से इनको इंपीरियल चोला तथा शाही चोला कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों।